इंकलाब जिंदाबाद, सर मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, खट्टर सरकार। हाँ जी, आप कहाँ से चले हैं इधर साले के? ये हमारा दमतान साहिब ऐतिहासिक गाँव है पंजाब बॉर्डर पे, वहाँ के साथी हैं और खेतों की मिट्टी और पानी लेके चले हैं दादा खेड़ा पे ढोक लगा के। और जो किसान धाम है टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहाँपुर, ये तो हमारे किसान धाम बन चुके हैं जहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। असली शिव शंभू वही है। एक्चुअल में पीछे गलत चीज़ें दिखाई गई हैं, प्रचारित की गई हैं। असली शिव किसान है, असली शंभू किसान है। किसान ही देवता है, किसान ही भगवान है। तो अब ये युवा जाग गया है और जो चीज़ें पीछे हमारे से छीनी गई हैं, चाहे वो पाखंड करके, चाहे हमारी जेबों पे डाका डाल के इस पूंजीवादी सरकार ने छीनी है, साम्राज्यवादी सरकार ने छीनी, उन सब के खिलाफ ये युवा उठ खड़े हैं। और सबसे पवित्र जो चीज़ अपने खेत की मिट्टी और पानी, क्योंकि खेती ने इस देश को बचाया है, खेती ने इस देश को चलाया है, तो उससे पवित्र कुछ नहीं है। वो लेके किसान धामों जो बॉर्डरों पे हैं, दिल्ली के धामों पे, वहाँ की ओर ये युवा चला है। और ये चीज़, ये मुहिम हम देख रहे हैं कल के बाद जब ये लोग चले हैं, कल मकरौली कला से एक और उठी थी और डाका और चढ़ा के आए थे मकरौली कला के युवा, ये तो फौजी भाई साहब के साथ। तो उसके बाद ये अलग से कावड़ है, ये पैदल कावड़ है, जो पहली कावड़ है जो टिकरी धाम की ओर चली। अब ये ट्रेंड चलेगा क्योंकि इन्होंने चलाए हैं पाखंड के ट्रेंड जो सदियों से चलाए हैं इन्होंने। और कुछ दशकों में, पिछले 30-40 दशकों में ये हमारे गांव में पाखंड बन गया है। हम उस सारे पाखंड को, उस कचरे को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, हम उल्टी तरफ से कावड़ लेके जा रहे हैं। तो नाम प्रचलित है कावड़, वैसे हमारी ये धोक यात्रा है, किसान धाम धोक यात्रा हम इसको बोल रहे हैं। ये पूरे का पूरा सिस्टम है, पाखंड को उखाड़ना है और उस पाखंडी सरकार की जड़ें हिला देंगे हम। वो सरकार अगर बाज नहीं आई, इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया, इस देश को बर्बाद करने वाले जितने कानून किसान मजदूर कमेरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ बनाए हैं, वो वापस लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लिए तो इन पाखंडी सरकार को उठा के खड्डा खोद के बहुत नीचे दबा दिया जाएगा, इनके आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी अस्थियाँ नहीं मिलेंगी। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। जो पाखंडी सरकार है उसका हश्र यही होगा और ये राजनीतिक इनकी हड्डियाँ दबाने का हम लोग काम करेंगे। ये युवा यही संदेश लेकर जा रहा है, हमारे बुजुर्ग साथ में जो लगातार 8 महीने से तपस्या करें, ये पूरी की पूरी मुहिम उससे करें। जो संसद भवन पर वहाँ जंतर मंतर पर किसान बैठे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर अपनी संसद लगाएंगे, अगर ये लोग मान जाते हैं ठीक है, नहीं तो किसान को संसद लगानी भी आती है और ये भी है कि संसद चलानी भी आती है, तो हम चलाएंगे भी। हमें किसी पार्टी से मोह नहीं है, किसी पार्टी से बैर भी नहीं है। हमारे को बैर है साम्राज्यवाद से, पूंजीवाद से और इस लुटेरेपन से। जो भगत सिंह कह के गए थे कि अगर काले अंग्रेज जाएंगे तो गोरे आ जाएंगे, और ये गोरे तो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। हमारा बैर इनसे, किसी राजनीतिक विचारधारा के हम बैरी नहीं है, विचारधारा पाखंड के जरूर बैरी। तो संसद हम अभी तो लगा रहे हैं, ये डमी संसद जो लगा के पैरेलल चलाई जा रही है, आगे हम संसद चलाएंगे भी। अगर ये बाज नहीं आई तो ये सरकार और ये संसद, ये सब कुछ, देश का युवा जो बेरोजगार कर दिया गया, वो कब्जाएगा भी इनके और काम भी करेगा। ये हमारा बुजुर्ग हमारे को पकड़ा के जाएगा, यही उसने सिखाया 8 महीने में बॉर्डर पे बैठे, और हम सीख गए हैं। देखिए आप, ये युवाओं को जोड़ने की मुहिम आपको दिखाई देंगी हर रोज़। इस रोहतक में से आपको सैकड़ों सैकड़ों इस टाइप के जो मुहिम है, जो मिट्टी और पानी लेके जाते हुए लोग हैं, क्योंकि कावड़ उधर से लोग पाखंड लेके आते थे, अब इस बार नहीं होगा, इस बार इधर से उल्टा जाएगा। तो ये मुहिम हमने बदल दी है, जो तरीके हैं वो ट्रेंड हमने चेंज किया है और उस ट्रेंड को ज़बरदस्त तरीके से ये ट्रेंड चलेगा। और जब तक सरकार नहीं मानेगी, साल लगे या सदियां लगे, ये चलता रहेगा। और उसके बाद हम इसको कंटिन्यूस करेंगे, अपने खेत की मिट्टी और पानी वो आगे तय किया जाएगा, उनको ले जाके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को वैज्ञानिक बुला के, और सावन के इस महीने में कहीं ना कहीं टेस्टिंग करने के, नए नए उनमें हम क्या उगा सकते हैं उसके मेले लगाए करेंगे हम।
ये बंद नहीं होगी। ये जो मुहिम है ये खेती की मुहिम है, खेती से जुड़ी हुई मुहिम है, प्रकृति की मुहिम है। ये तो ट्रेंड शुरू किया अभी, तो साहब देखिए आगे आगे नज़ारे देखिए और संसद में भी आपको नज़ारे दिखाएं। हमारा है जमींदार छात्र सभा, जमींदारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और जमींदारा सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम किसानों के बच्चे, ये हम जो हमारा संगठन है किसानों का बच्चा है। हम दावेदारी नहीं करते एक जत्थेबंदी की, हम वॉलंटियर बन के काम करते हैं, कार सेवक बन के काम करते हैं। ये युवा चाहे हमारे अंदर बुजुर्ग हों, ये भी कार सेवक। तो हमारा जो संगठन है वो मजबूत करने का काम करता है आंदोलन को, आंदोलनकारियों के लिए रसद, नए नए जो भी नए प्लान होंगे हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं, उनके लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाते हैं और हम करवाते रहेंगे। इस देश को बचाने की लड़ाई है, जमींदार छात्र सभा, जमींदार छात्र संगठन यही काम कर रहा है और करते रहेंगे। हाँ जी फौजी साहब, जी साहब आप बताइए इसके बारे में क्या। भाई कल एक छोटी शुरुआत की थी हमने अपने खेतों की मिट्टी और खेतों का पानी लेके, जो अपना टिकरी धाम, गाजीपुर धाम या शाहजहाँपुर धाम, जो भी धाम अपने बना रखे हैं हमने, सिंगू है, हम अपने उनको धाम मानते हैं अपने, क्योंकि वहाँ पर हमारे किसान बैठे पिछले 8 महीने से। जो एक कावड़ लेके आते थे ना भाई, हरिद्वार से कावड़ लेके आते, एक तो वहाँ पर वैसे ही पंगे कर रहे हैं, तो उन पंगों से अच्छा एक दूसरा युवा जुड़ेंगे इस आंदोलन से। ये एक मुहिम शुरू की थी, इस मुहिम का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता जा रहा है। अभी जैसे धनतान साहब उन भाइयों का पहले ही फोन आया था, लेकिन हमने एक डाक कावड़ की थी शुरुआत में, कि हम गए थे 2.5 घंटे में टिकरी बॉर्डर पर पहुँच गए थे, इन्होंने पैदल मार्च निकाला था, तो फिर इनके साथ हमारी सबकी एक साथ फोन पर बात हो गई थी। अभी तो बहुत गाँव से चलेंगी, अभी बेरी से भी चलेंगी, साइड से चलेंगी, धनाना गाँव से चल रही हैं, बहुत गाँवों से अब धीरे धीरे यात्राएं चलेंगी। इससे क्या है कि युवा का जुड़ाव बनेगा आंदोलन के साथ। जो बुद्धि मीडिया दिखा रही थी कि भाई युवा नहीं है इस आंदोलन के अंदर, सभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो अभी आप देख सकते हो इनमें तकरीबन 90% युवा ही हैं ज़्यादा, और युवा का एक जुड़ाव बनता जा रहा है। जो कल मेरे साथ गए थे वो आज भी जाने के लिए तैयार, उधर बॉर्डर पर गए हुए, तो ऐसे ही जुड़ाव बनता जाएगा। एक बार जो बॉर्डर पर चलाएगा ना, वो बार बार जाता है वहाँ पर, उसका वहाँ पे दिल लगता है भाई। एक तो ये देखता है कि किस तरह से आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन, आज तक ना कोई हिंसा हुई है, ना इन किसानों की तरफ से कोई ऐसी बात हुई है। बुद्धि मीडिया ने खूब प्रचारित किया था भाई ये तो बलात्कारी है, भाई आतंकवादी है या खालिस्तानी है। आप वहाँ पर जाके देखना, आपको वो प्यार मिलेगा जो आपको घर पर भी नहीं मिलता। ये चीज़ करने के लिए हमने एक सोच बनाई थी कि भाई युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। बहुत बार आह्वान भी किया था, तो फिर अपने मन में एक विचार आया था भाई क्यों ना एक इस तरह का किया जाए, अपने खेत की मिट्टी लेके और खेत का पानी लेके अपने जो पवित्र धाम बन चुके, जो बॉर्डर बन चुके, उनके ऊपर चढ़ाया जाए। तो और परसों जो आगजनी है सिंधु बॉर्डर पर हुई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए, किन शरारती तत्वों का? ये कुछ ऐसा सामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसा करते हैं। क्या है, वहाँ पे रैलियों में जो टेंटों में अपने किसान रहते हैं, वो एक दूसरे के पास जाके बैठ जाते हैं, वो देखते कोई भी टेंट खाली होता है उसमें आग लगा के भाग जाते हैं। ये असामाजिक तत्व हर जगह पे मिलते हैं, आज से नहीं कर रहे, तो शुरुआत से करते आए हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इनसे कोई फर्क पड़ेगा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आंदोलन मजबूत होता है इन चीज़ों से और ज़्यादा लोगों का जुड़ाव बढ़ता है।